अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, आज का जो हमारा काम है SST का वो चैप्टर नंबर 3 इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमने क्लास वर्क करना है। सबसे पहले बच्चे इसके MCQs हैं। डैश सिविलाइजेशन इज़ नॉट फुली डिस्कवर्ड येट, कि अभी तक फुली कंप्लीट तौर पे डिस्कवर नहीं की जा सकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। द वर्ड इंडस इज़ अ डैश वर्ड। वर्ड इंडस कौन सी जबान का लफ्ज़ है? ग्रीक। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 BC से लेकर 2500 BC से लेकर 1500 BC तक, 6000 BC और 3500 BC, 3500 BC। तो इसका आंसर है बच्चे 2500 BC से 1500 BC तक। डैश इज़ द राइटफुल हायर। हायर बच्चे कहते हैं जो जानशीन, यानी कि जिसको विरासत में कोई चीज़ दी जानी चाहिए, ऑफ द इंडस वैली के। इंडस वैली का जानशीन कौन था, कौन बना है, कौन सही उसका राइटफुल हायर है? इंडिया, अफगानिस्तान या सब कॉन्टीनेंट? तो सब कॉन्टीनेंट है बच्चे। हाउसेज वर अरेंज्ड इन डैश सिस्टम इन इंडस वैली। कल के बुक वर्क में मैंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो घर हैं वो ग्रिड सिस्टम में अरेंज किए गए थे, यानी कि एक तरतीब के साथ छोटे घर, फिर उसके बाद बड़े, फिर उसके बाद इस हिसाब से उन्होंने अरेंज किया था। फिलिंग द ब्लैंक है बच्चे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ आल्सो नाउन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो मीन्स सिटी ऑफ डेड, मुर्दा लोगों का शहर। द ब्रॉन्ज एज एग्जिस्टेड फ्रॉम 3200 BC टू 600 BC के 3200 से 600 BC तक। इरीगेशन सिस्टम ऑफ IVC, IVC स्टैंड्स फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इज़ एडवांस्ड, यानी कि बहुत बेहतरीन था। IVC हैज़ हाईली फर्टाइल सॉइल, के बहुत ही अच्छी उसकी फर्टाइल सॉइल थी, जरखेज़ मट्टी थी, एंड वाटर इन अबंडेंट, और पानी बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद था। अबंडेंट कहते हैं बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होना। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वाज द लोकेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बेनिफिशियल फॉर फार्मिंग प्रैक्टिस, के फार्मिंग प्रैक्टिस यानी कि फसलें उगाने के लिए बेनिफिशियल, किस तरह से फ़ायदेमंद थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज़मीन मट्टी। द सॉइल ऑफ इंडस प्लेन वाज वेरी फर्टाइल, के इंडस प्लेन की जो मट्टी है वो बहुत ज़्यादा जरखेज़ है। द रिवर वाटर ब्राउट विद इट हाईली फर्टाइल सिल्ट, बहुत ही हाईली फर्टाइल यानी कि बहुत ज़्यादा जरखेज़ फर्टाइल सिल्ट, सिल्ट कहते हैं मट्टी को, विच कंट्रीब्यूट, जो कि अपना हिस्सा डालती थी, जो कि बेहतर बनाती थी टू ग्रेटर क्रॉप्स, के बहुत ज़्यादा मकदार में इकट्ठा करना क्रॉप्स, फसलें, ग्रोथ, फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए। ये बच्चे आपका आज का काम है। नीचे हाइलाइटेड वर्ड्स के मैंने मीनिंग लिखे हुए हैं, वो भी आपने देख लेना। इस काम में किसी किस्म का मसला हो तो आपने मुझसे पूछ लेना।